हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत है फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइजिंग स्टोरी टेलर पर और आज के सेशन में हम आपके लिए कक्षा दस से स्टोरी सप्लीमेंट्री रीडर से जो स्टोरियाँ होती हैं उनकी सबसे पहली स्टोरी लेकर आए ट्रंप ऑफ सर्जरी ट्रंप माने होती है जीत विजय ऑफ सर्जरी चिकित्सा की विजय चिकित्सा की जीत जेम्स हैरियट ने इसे लिखा है यह कहानी एक ऑटोबायोग्राफी जैसी है इसके जो मुख्य पात्र हैं तीन पात्र मुख्यतः हैं सबसे मुख्य पात्र मिसेज पैम्फ्रे जो एक महिला हैं डॉक्टर हैरियट जो नरेटर या वक्ता या लेखक स्वयं है और एक तिरकीज जो कुत्ता है तीन पात्र हैं और बड़े आसानी से स्टोरी को समझ लिया जाएगा तो दोस्तों समय ना लेते हो शुरू करते हैं बाकी सब आप काम कर ही रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे साथ साथ यहां पर हम देखते हैं कि एक महिला जिसका नाम मिसेस पैम्फरे उसने कुत्ता पाल रखा जिसका नाम तिरकी है कुत्ते को इतना ज़्यादा प्रेम करती इतना अधिक प्रेम करते कि कुत्ते की आदत खराब कर दी है इसने यह महिला अपने कुत्ते को बच्चों से ज़्यादा प्रेम करती है वो चीज़ें कुत्ते को खिलाती है जो हम लोग बच्चे को ही नहीं खिलाते अमीर महिला है रिच महिला है बिल्कुल यह कुत्ते को केक चॉकलेट क्रीम बिस्किट बटर सारी चीज़ें देती है वो बेहतरीन चीज़ें देती है जो कुत्ते को नहीं भी चाहिए होती हैं ज़्यादा लाड़ प्यार की वजह से कुत्ता मोटा हो जाता है और एक दिन उल्टियाँ वगैरह करने लगता है और चलता भी नहीं चलता चलना फिरना भी उसने बंद कर दिया मोटा ताज़ा हो गया काफ़ी ये चिंता का कारण बन गया मिसेज पेम्परे के लिए उसने पशुओं के डॉक्टर वेटरनरी डॉक्टर डॉक्टर हैरीत को कॉल किया और हैरियट से बताया कि इस तरह से टिड़की को दिक्कत है हैरियट ने कहा कि कुछ समय के लिए इसको अपने अस्पताल ले जाना पड़ेगा जहाँ पर वो पशुओं की देखभाल करते हैं हैरियट समझ चुके थे कि इस कुत्ते को और कोई बीमारी नहीं अधिक खिला दिया बस यही सबसे बड़ी बीमारी है हैरियट कुत्ते को जब अपने गाड़ी में रख रहे थे तब महिला ने सब नौकरों से कहा कि इसके कुत्ते का जाड़े का स्वेटर दो जाड़े का कोट दो और बता दिया मतलब तरह तरह के बर्तन दिए गए तरह तरह के कपड़े दिए गए इतने सारे कपड़े इतने सारे बर्तन दिए गए कुत्ते को बहुत ज़्यादा गाड़ी तो समझो कि उस चीज़ से ही भर दी थी तब डॉक्टर हैरियट इसको ले जाते हैं और जब ले जा रहे थे तो मिसिज पैम्फे रो रही थी आंसू थे उनकी आंखों में ऐसा लग रहा था कि उन लोग किसी खास चीज़ से जुदा हो रही हैं डॉक्टर हैरीट ने ले जाकर कुत्ते को अपने कुत्तों में छोड़ दिया कुत्तों ने वहां पर उसको सूंघा देखा तो कुछ कुत्ते उसे लड़ने की फिराक में भी हैं लेकिन हिल हिलडुल भी नहीं रहा है मोटापे की वजह से वो हिल हिलडुल भी नहीं रहा है तब जाकर डॉक्टर हैरियट ने उसे तीन चार दिन तक कोई खाना पाना खाना वगैरह नहीं दिया केवल उसे पानी पिलाया कुछ दो तीन दिन के बाद जब कुत्ते में देखा कि चहल पहल आ गई है तो तब डॉक्टर साहब ने उन कुत्तों के साथ साथ उसके लिए भी एक कटोरा रख दिया खाने का और उसमें थोड़ा बहुत भोजन रखा पहले दिन तो कुत्ते ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया उसका खासे का खाना भी दूसरे कुत्ते खा गए अगले दिन जब उसने देखा कि यहाँ तो भोजन भी नंबर से मिलता है और नहीं खाया तो दिक्कत हो जाएगी तो अगले दिन जल्दी से भाग करके कुत्ते ने खाना खाना शुरू कर दिया अब तो कुत्ता सभी के साथ दौड़ता है भागता है पूरे दिन खेलता है अब बाकी सारे कुत्ते भी उसके मित्र बन गए हैं इस बीच मिसेज पैंफरे बार बार बीच बीच में पूछती रहती हैं कि मेरा कुत्ते की हालत कैसी है <coughs> एक दिन डॉक्टर हैरियट ने उसे कहा कि आप अपने कुत्ते को ले जा सकती हैं क्योंकि किस कुत्ते की हालत में सुधार है इस खबर को सुनकर मिसिज पैम्फरे बड़ी ही खुश हुई और वह अपने कुत्ते को लेने गई जब देखा कि कुत्ता दौड़ रहा है कुत्ता बिल्कुल ही हष्टपुष्ट हो चुका है तो मिसेज पैंपरे की आंखों में आंसू थे ये आंसू खुशी के थे जाते समय वापस आते समय मिसेज पैम्फरे ने उसको डॉक्टर को बहुत ज़्यादा धन्यवाद दिया बहुत आभार व्यक्त किया बहुत आभार जताया और उन्होंने कहा कि द ट्रम्प ऑफ सर्जरी मतलब ऐसी चिकित्सा की विजय हुई थी कि जिसमें कोई शल्य चिकित्सा भी नहीं अपनानी पड़ी ना तो कोई ऑपरेशन था ना कोई दवाई थी और फिर भी डॉक्टर का डॉक्टर के द्वारा उस कुत्ते को बिल्कुल ही ठीक कर दिया गया इस तरह से ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी हुई आशा करता हूँ दोस्तों ये कहानी सारी समझ में आई होगी अगर कोई कमेंट रहा क्वेरी रही है तो आप कमेंट करके बता दीजिए धन्यवाद